नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नाथनगरी परिक्रमा सेवा समिति द्वारा की गई नाथों की परिक्रमा। सावन माह में नाथनगरी परिक्रमा सेवा समिति पदाधिकारियों द्वारा बरेली में स्थापित सातों नाथों की परिक्रमा की जाती रही है। हर साल की भांति इस साल भी गुरुवार को टीबीनाथ मंदिर से संस्था के संस्थापक सचिन देवल के नेतृत्व में पैदल परिक्रमा का शुभारंभ किया गया। यह परिक्रमा मंदिर टीबीनाथ से शुरू होकर बनखंडीनाथ, पशुपतिनाथ, धोपेश्वरनाथ, तपेश्वरनाथ, मणिनाथ, अलकनाथ पर पूर्ण रुद्राभिषेक एवं आरती के पश्चात यात्रा का विश्राम हुआ। पैदल यात्रा में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसका जगह जगह फूलों की वर्षा से स्वागत किया गया। इस मौके पर विक्रम रस्तोगी, दीपक आनंद, शुभम दिवेश, हरिशंकर, सुरेंद्र, आकाश, संजीव जीतू आदि का सहयोग रहा। खंडेलवाल कॉलेज ने किया कवच अभियान टीम का भव्य स्वागत। जिले में जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता इरवार के नेतृत्व में महिला बाल कल्याण विभाग, महिला थाना, आशा ज्योति केंद्र की टीम के द्वारा कवच जुलाई अभियान के पूरे माह बालिकाओं को आत्मरक्षक बनाने के लिए लगभग 800 स्कूलों में लगभग 2.5 लाख छात्राओं को हेल्पलाइन नंबरों के साथ आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए हैं, जिससे प्रभावित होकर खंडेलवाल कॉलेज की मांग पर कवच अभियान में हिस्सा ले रही टीमों ने कॉलेज में जाकर वहां की छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। एक हमारी योजना है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं अब बढ़ गई हैं? आप लोगों का कुछ मन करता है उनका हेल्प करने का? अगर हम कहें कि आपके आसपास किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ कोई घटना दुर्घटना है, उसको इतना नहीं पता है कि वो कैसे हेल्प ले पुलिस की या कैसे उसको कोई भी आर्थिक सहायता मिलेगी, तो आप किस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं? 1090 और 181। और बच्ची के साथ अगर कोई घटना हुई है तो किस नंबर पे देंगे? वहीं कॉलेज की तरफ से टीम को सम्मानित किया गया। वहीं कॉलेज के स्टाफ ने कहा, इसका सेशन आपको कैसा लगा? मैं प्रज्ञा कमराड, होम साइंस डिपार्टमेंट की एचओडी हूँ, और रियली दिस वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन, और आई विल अप्रिशिएट इट अ लॉट। गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। दिस टाइम वी हैव सेशन फॉर गर्ल्स ओनली, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वी वांट अ सेशन फॉर बोथ। इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द पीपल कम, बोथ द मैम, नीता मैम एंड ऑल द टीम। थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। सेशन था स्पेशली जो है गर्ल्स के लिए, उनकी सेफ्टी पॉइंट बताया कि आप अगर अकेले होते हो, आपके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कैसे डील कर सकते हो। तो इसका सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ये रहा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे तो बहुत अच्छे से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम उस चीज़ को खुद ब खुद डील कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी हमें बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बताई थी कि अगर हम जो है अकेले में हो तो हम ये कर सकते हैं और हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट जितनी भी गर्ल्स यहाँ पे आई थी उन्होंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है शेयर किए, वो अच्छा लगा और काफ़ी बेनिफिशियल लगा। थैंक यू। क्या आप इसको आगे ले जाएंगी या दूसरों तक पहुंचाएंगी, ऐसा क्या एम है? मैं इसको आगे भी लेके जाऊंगी। मैं जो भी आपका सेंटर है, जो भी इन सब चीज़ों से पीड़ित है, उनको मैं वहाँ पे बताऊंगी। जो नंबर्स आपने प्रोवाइड करवाए हैं यहाँ पे, उनको मैं बताऊंगी। और इस जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, मैं उसको बिल्कुल बताऊंगी और उनको कहूँगी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, जिससे आप अपनी रक्षा खुद कर पाएंगे। कि जैसा आप चाहेंगे, कहते हैं जहाँ चाहे वही राह है। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। जिलाधिकारी बरेली वीरेंद्र कुमार सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा सूचना जनित में जारी। बधाई हो, सुना है तुम माँ बनने वाली हो।
साथ में एक और खुशखबरी है माँ जी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार माँ बनने वाली हर गर्भवती महिला के खाते में औसतन 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे, ताकि उसे मिले पौष्टिक आहार और उचित आराम। रजिस्टर करने पर 1,000 रुपए, पहला चेकअप कराने पर 2,000 रुपए, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पर औसतन 1,000 रुपए और बच्चे के पहले चरण के टीकाकरण और जन्म पंजीकरण कराने पर 2,000 रुपए। मतलब खुशखबरी पे खुशखबरी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रजिस्टर करने के लिए आंगनवाड़ी या आशा दीदी से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सतयुग राइजिंग स्टार के लिए 150 प्रतिभागियों ने दिखाई हुनर। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा सतयुग राइजिंग स्टार 2019 जीते अंतर्राज्य संगीत प्रतियोगिता के प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत फरीदाबाद, गुरुग्राम, रमेश नगर, दिल्ली, ईस्ट पानीपत, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, चंडीगढ़, जालंधर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, रोहतक आदि शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि प्रयाग संगीत समिति की देखरेख में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन को सच्चे संगीत से जोड़ना है। प्रतियोगिता समूह गान एवं समूह नृत्य पर आधारित रहा, जो दो चरणों में संपूर्ण होगा। प्रथम चरण में अंबाला, पानीपत, बरेली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली एवं रेवाड़ी आदि शहरों में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया, ये हमारा एक ट्रस्ट है, सतयुग दर्शन ट्रस्ट, उसके अंडर में हमारे संगीत कला केंद्र चल रहे हैं, उसका एक म्यूजिक कम्पिटिशन करवाया हमने, इंटर स्टेट म्यूजिक कम्पिटिशन। ये सर पहले भी हो चुका है? ये कई शहरों में हो चुका है और कई प्रदेशों में हो चुका है, बरेली, मुरादाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब, हर जगह पर हो रहा है और ये यहाँ पर हमारा पहली बार हुआ है बरेली के अंदर। सर कितने स्कूलों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया? 11 स्कूलों ने पार्टिसिपेशन किया है और करीब 150 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। इस कंपटीशन जो है, जो विजेता होंगे उनको कोई और भी मौका दिया जाएगा या फिर यहीं पे आपको पुरस्कारित किया जाएगा? हम उनको यहीं पर पुरस्कारित करेंगे। ये हमारा इंटर स्टेट कंपटीशन जो हुआ है सिटी लेवल का हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास पे सॉन्ग का और उसका डांस का दोनों ग्रुप जो विनर होंगे ये जाएंगे फाइनल के लिए फरीदाबाद, जो कि 3 तारीख को फाइनल है वहाँ पर फरीदाबाद में। 3 अगस्त को। 3 अगस्त को। जूनियर हाई स्कूल कांदरपुर में लगा स्वास्थ्य कैंप। गुरुवार को जूनियर हाई स्कूल कांदरपुर में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। ये कैंप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सभी जिले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश शुक्ला के निर्देशन में लगाया जा रहा है। टीम द्वारा बच्चों की चेकिंग कर स्वास्थ्य संबंधित जाँच की जा रही है। जिससे बच्चे स्वस्थ रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। कांदरपुर में लगे कैंप में बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आदेश कुमार ने कहा, इसमें बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और इसमें 30 बीमारियों का इलाज किया जाता है जो कि हमारी योजना के अंतर्गत है और उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम मेडिकल कॉलेज तक कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों के आई साइट को भी कमजोर होती है तो चश्मा बनवाते हैं। बाकी इस समय किस तरह के बच्चे आपको देखने को मिले हैं? इस समय तो ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम और कान, जो कान की प्रॉब्लम होती है उसके बच्चे ज़्यादा मिलते हैं। 2 पेशवनाथ मंदिर से निकली नाथ नगरी परिक्रमा। सावन माह के चलते भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैंट स्थित 2 पेशवनाथ मंदिर से जल चढ़ाकर सैकड़ों श्रद्धालु नाथ नगरी में बने शिव मंदिरों की पूजा अर्चना के लिए भ्रमण करते नजर आए। इस बीच जमकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए गए।
इस अवसर पर जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं ने बताया। ये सातनाथों के श्री गोपेश्वरनाथ मंदिर से सातनाथों की यात्रा है अपने बरेली सातनाथ। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ एंड इनर व्हील क्लब बरेली न्यू नॉर्थ के सहयोग से संचालित दिव्यांग मेंटली चैलेंज बच्चों हेतु विशेष शिक्षा केंद्र पूजा सेवा संस्थान डीडीपुरम में पिछले 9 वर्षों से पूर्व रोटेरियन गवर्नर पीपी सिंह व उनकी पत्नी मालती देवी पूर्व अध्यक्षा इनर व्हील क्लब बरेली न्यू नॉर्थ के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो सन 2000 में 5 दिव्यांग बच्चों को लेकर शुरू किया गया था, जिसको विश्व दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। आज पूजा सेवा संस्थान बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का विकास कुशल शिक्षिकाओं द्वारा किया जा रहा है। संस्था दिन प्रतिदिन विकास करते हुए आज 50 दिव्यांग बच्चों की देखभाल कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किला सर्विस रोड पर बनी राहगीरों को मुसीबत, गड्ढों की वजह से लोग हो रहे वापस। किला सर्विस रोड के हाल बेहाल हैं। किला सर्विस रोड में गड्ढों की वजह से राहगीरों को वापस होना पड़ रहा है। पिछले काफी दिनों से पानी भरे होने के कारण गड्ढा हो गया है। कुछ दिन पहले ही सिटी न्यूज की सुर्खियां बनने पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने ईंटों से गड्ढे को भर दिया था, लेकिन अभी स्थिति यथावत बनी हुई है। सड़क के गहरे गहरे गड्ढों को देखकर लोग दहशत में हैं, जिससे वे अपना मार्ग तक बदल लेते हैं। रोज ही गड्ढे में 8-10 लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। सर्विस रोड को बंद करने से जाम लग रहा है, क्योंकि सर्विस रोड पर जाने वाले वाहन भी पुल और दूसरी साइड से जा रहे हैं, जिस कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्र के लोगों ने कहा, गड्ढा है, पानी भरा रहता है उसमें, पता नहीं चलता कितनी गहराई है, पर एक दो बार हम लोग तो जाते हैं रोज, तो पता रहता है कि इसमें गड्ढा है काफी। ये बोर्ड लगा देते हैं, पर कभी कभी फिर भी वापस आदमी जाता है रोड पे, और गिरने का डर ज्यादा रहता है उसमें। गड्ढा भरने आया था, डालने आया था गड्ढे में, तो 2-3 जने गिर गए थे, चोट लग गई, एक क्रिकेट चोट लगी थी। हाँ, गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े रोड पे, एक्सीडेंट भी हो सकता, गिर भी सकते हैं, गड्ढे हैं बहुत ज्यादा है। नगर निगम देखना चाहिए, गड्ढे भरवाने चाहिए। इस समय सावन का महीना है, कावड़ यात्रा भी है, जबरदस्त गहरा गड्ढा है बहुत, मतलब कई लोग वहाँ पे छोटे लोग हैं गिर गए उसमें गाड़ियों से, और ये आज से नहीं है, ये तो पता नहीं, मतलब कई बहुत समय से, एक बार ज्यादा ईंटें वगैरह डला दी थी, फिर से वैसे ही हो गया। बातें होते हैं बार बार, चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि एक आदमी गया, हल्के हल्के गया, तो वो मतलब गिरने से बच गया। काफी गहरा गड्ढा है, अगर अनजान आदमी तेजी से निकलेगा तो दुर्घटना हो सकती है, अच्छी मतलब काफी चोट लग सकती है, दुर्घटना घट सकती है। वहाँ का रोड बहुत बहुत टूटा फूटा है, वहाँ पर जो है गाड़ी गिर गिर जा रही है और गाड़ी पार नहीं हो पा रही है, बहुत बुरा आलम है वहाँ का। कहना क्या चाहिए, यहाँ का जो है रोड संभलवाना चाहिए, और मतलब जो है आने जाने वालों को जो परेशानी होगी, और सावन का तीसरा सोमवार भी है, उन्हें भी परेशानी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता विकास यादव से। जी विकास जी, बताइए। नमस्कार दोस्तों, हम आपको दिखलाते हैं किला सर्विस रोड के हाल, जो बहुत ही बेहाल हो चुके हैं। कुछ समय पहले शासन ने इसे सही कराया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें गहरे गहरे गड्ढे पड़े हैं, लोग चोटिल हो रहे थे अभी तक, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने इस रोड को बंद कर दिया है। आने वाले तीसरे सोमवार को लाखों कांवरिए शहर के अंदर मौजूद होंगे, और दूल्हा मियां की मजार पर जाम की स्थिति बनी होगी, जिसके निपटने के लिए प्रशासन को क्या व्यवस्था करना पड़ेगी, ये देखना है। मैं सिटी न्यूज से विकास यादव। सावन माह के चलते हर साल की भांति इस साल भी कुतुबखाना सब्जी मंडी क्षेत्र के व्यापारियों ने भगवान भोलेनाथ का प्रदोष पूजन किया। पूजन में पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों द्वारा फूल, बेलपत्री, धतूरा, दूध, दही, शहद से भगवान का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के भजन गाए गए, जिस पर भक्त झूमते हुए नजर आए। पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद पाया। इस मौके पर शिव कुमार बर्तरिया ने जानकारी देते हुए बताया, आज श्रावण मास पवित्र माह में प्रदोष पूजन
कार्यक्रम सब्जी मंडी खाना के व्यापारियों द्वारा आयोजित किया गया है। इनके इस कार्यक्रम में लोगों को भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होने का संदेश देने के इस संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोग मन से, धन से और तन से भोलेनाथ की सेवा में लगे, उनके बनाए नियमों का पालन करें और समाज के काम आए, समाज की सेवा करें। इसी निमित्त इस कार्यक्रम के उपरांत भंडारा प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो लोगों को, उन लोगों को जो जिनको दो वक्त रोटी नहीं मिलती है, ये मान के हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। उसमें अधिक से अधिक लोग जो राहगीर हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं, उन लोगों को हम उनके भोजन दान में कुछ सहयोग कर सके, इस निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो दुकानदार हैं, उनके मन में भोलेनाथ ने ऐसी इच्छा प्रकट की कि वो भोलेनाथ के लिए समर्पित होकर ऐसा कार्य करें। समाज उनके साथ है, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है दोनों मिश्रित आबादी है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होता है और सब लोग इस भंडारे में सम्मिलित होते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। और हम सब लोग जो आज संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश में हमारी मनोकामना पूरी होती है। इसी संदर्भ के साथ मैं इन लोगों का आभारी हूँ जो लोग इसमें तन मन धन से सेवा करते हैं। प्रदोष पूजन में सुनील मौर्य, हरिशंकर, महेश लाल, सोहन, हरिओम आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता व उसके अधिवक्ता के लिए कांग्रेसियों ने किया हवन। गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता एवं उनके वकील मरणासन अवस्था में हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं मोदी योगी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली के तत्वाधान में महानगर कांग्रेस कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियाँ के नेतृत्व में हवन कर आहुति दी गयी। पंडित पंकज उपाध्याय ने हवन प्रक्रिया संपन्न कराई। इस अवसर पर के दीक्षित, अवनीश बख्शी, टोनी, नरेंद्र मोहन सक्सेना, राजेंद्र सागर आदि मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में योगी सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु एवं उन्नाव कांड की पीड़िता के जल्द स्वास्थ्य लाभ हेतु आज यहाँ पर एक हवन करा गया। इसमें हम सभी कांग्रेसियों ने ये प्रभु से कामना की, ये उनसे प्रार्थना की कि वो जो वहाँ पर उसमें एक वकील और पीड़िता जो गंभीर रूप से घायल है, वेंटिलेटर पे है, उसको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान हो, जल्दी वो सही होके वापस हमारे बीच में आए। जी, हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय असलम चौधरी की तरफ से ये हवन और हमारे समस्त कांग्रेसी जन की तरफ से ये हवन करा गया है मोदी और योगी जी की बुद्धि शुद्ध करने के लिए। और जो लड़कियों पर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी सबकी जो घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है, सभी के लिए शुद्धि के लिए हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, इस देश को बचाने हेतु हम सब लोगों ने हवन किया। कांग्रेसियों ने यहाँ पर वो लड़की एडमिट है हॉस्पिटल में, जो वकील एडमिट है हॉस्पिटल में, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना की है। और जो मोदी और योगी की सरकार है, इसमें कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग परेशान हैं, अराजकता व्याप्त है, तो उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर हवन करके अपने सारे कांग्रेस के लोगों के साथ और आम जनता के साथ यहाँ पर हवन पूजन किया है। राष्ट्रवादी दल ने दिया उन्नाव रेप मामले में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को। गुरुवार को भारतीय राष्ट्रवादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। इस अवसर पर ज्ञापन देने आए पदाधिकारी ने बताया कि उन्नाव में मौजूदा विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा लड़की का बलात्कार किया गया। FIR दर्ज होने पर पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित कर पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। संगठन मांग करता है कि विधायक को तुरंत विधानसभा से निष्कासित किया जाए।
साथ ही उसके सारे अधिकारों को वापस ले लिया जाए, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर आरोपी को फांसी दी जाए, पीड़िता को वीआईपी चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। इन मांगों के समेत 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी ने बताया, हम लोगों के और मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उन्नाव में जो कुलदीप सेंगर विधायक है उसके द्वारा एक लड़के को बलात्कार किया गया। जब उन लोगों ने FIR दर्ज करवाई तो उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया गया। उसके बाप के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया। भारतीय राष्ट्रवादी दल इसकी पूर्ण रूप से विरोध करता है एवं निंदा करता है और माननीय राष्ट्रपति जी से मांग करता है कि जो मौजूदा विधायक है भाजपा का कुलदीप सेंगर, उसकी विधानसभा में उसको निष्कासन कर दिया जाए और विधायक के जो भी पावर है वो सब समाप्त कर दी जाए और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर उसको फांसी की सजा दी जाए। और इन जो लड़की है जो उस समय जिंदा है, एडमिट है, हालात से जूझ रही है, उसके ऊपर VIP चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए एवं सुरक्षा मुहैया कराया जाए और विधायक के साथ जो भी इस कृत्य में लोग सम्मिलित हैं उन लोगों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इन हमारी मांगों को जल्द रूप से ध्यान दे करके पूर्ण किया जाए। ज्ञापन देने वालों में रविशंकर, खटेक हरीश, प्रजापति, शशि भूषण, सोनू यादव, ललित आर्य आदि मौजूद रहे। समाज सेवा मंच ने की गाय को राष्ट्रमाता दर्जा देने व बीफ एक्सपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग। गुरुवार को समाज सेवा मंच के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह को देकर मांग की है कि तत्काल गौकसी बीफ एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का कानून जल्द ही पास किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं अभी और हम लोगों ने इस शहर में एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। वर्ष 2013 से 300 बेड का हॉस्पिटल मानसिक चिकित्सालय के ठीक पीछे उसी प्रांगण में बन रहा है और 13 से लेकर के 18 आ गई है वो 300 बेड का हॉस्पिटल ऐसा हो गया है जैसे कि अफलातून। वो हॉस्पिटल जल्दी बने, निर्माण लगभग हो चुका है, उस हॉस्पिटल में मरीजों को शिफ्ट किया जाए। हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतना मारा मारी है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो भी शहर के बीच में, वो भी इतनी भीड़ भाड़ में जहां एम्बुलेंस तक नहीं जा पाती। आज हालात इतने ख़राब हैं, एक एक बेड पर दो दो मरीजों को लिटाला जा रहा है, जगह ही नहीं है वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करने की। मारा मारी की स्थिति में हालात ही ख़राब होते जा रहे हैं। हम सब लोग आज ये मांग करने आए हैं कि जो 300 बेड का हॉस्पिटल तैयार खड़ा है तो उस 300 बेड के हॉस्पिटल को चालू किया जाए। उस माननीय राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन दिया गया, उसमें गाय के मांस को एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद किया जाए, उस पर पाबंदी लगे और जो लोग गाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। गाय को राष्ट्र माँ का दर्जा दिया जाए जिससे आपसी झगड़े हैं, फसाद जिसको लेकर कराया जाता है कि ये हिंदू हैं और ये मुस्लिम हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है क्योंकि हम लोग सेवा वाले लोग हैं, हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, उसी के लिए सारी मेहनत की जाती है। हिंदुस्तान एक परिवार है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, आपस में नाराज़गी करके कुछ पॉलिटिकल लोग, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, कुछ पॉलिटिकल लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, उनको बिल्कुल बात बंद करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर भी पाबंदी लगाना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए जो खास तौर पे हिंदू मुस्लिम की एकता में दरार डालते हैं क्योंकि वो हमारे देश में दरार डाल रहे हैं। इस बात को लेकर सारे लोग जो अच्छे लोग हैं सबके मन में ये है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान चाहता है हमारे देश में अमन रहे। ईसाई समाज ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। गुरुवार को ईसाई समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां उन्होंने DM को ज्ञापन दिया और मांग की कि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी ईसाई धर्मगुरु बनकर समुदाय को बदनाम करने के उद्देश्य से गलत संदेश फैला रहे हैं जिसको प्रशासन जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की कृपा करे। आज हमने अपने ईसाई समाज के द्वारा ये तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को अपने जिलाधिकारी साहब के द्वारा एक मेमोरेंडम दिया जाए, एक ज्ञापन दिया जाए जिसमें हमने उन्हें सूचित किया है एक भूमाफिया के विषय में जिसका नाम विनोद कुमार यादव है और अपने आप को जॉन अगस्टिन कहकर वो CNI की और चर्चिस की विभिन्न स्थानों पर बहुमूल्य संपत्तियां बेचकर अन अधिकृत लाभ उठाना चाहता है और फर्जी मुकदमे हमारे
धर्मगुरु पर उन्होंने समय दायर किया है बिशप पी पी हविन साहब पर, जिसके विरोध में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज के दिन ज्ञापन दिया जा रहा है जिले अधिकारियों को, ताकि अपनी बात को अपने मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उनका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और हम इस बात पर भरोसा रखते हैं कि हमें। शिवसेना ने नगर निगम पहुंचकर सौंपा नगर आयुक्त को ज्ञापन। गुरुवार को शिवसेना जिला इकाई के कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर मांग की है कि स्वाले नगर में हिंदू आस्था होली चौक पर लगाए गए नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पेड़ों को तुरंत हटवाया जाए। वहीं शिवसेना के पदाधिकारियों ने सभासद अलीम पर आरोप लगाते हुए कहा, ये स्वाले नगर में कल नगर आयुक्त के नेतृत्व में कल एक होली चौक पे जाके वहाँ पेड़ लगा दिए गए। होली चौक में इतनी कम जगह है कि वहाँ केवल होली जल सकती थी, लेकिन एक अलीम सभासद जो पूर्व में भी सरकारों में हिंदू समाज के खिलाफ दमनकारी नीतियों के लिए प्रसिद्ध रहा है, उसके द्वारा नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से सेटिंग करके बगैर हिंदू समाज को विश्वास में लिए वहाँ पे पेड़ लगा दिए गए, ताकि वहाँ होली चौक खत्म की जा सके और होली हिंदू समाज का जो धार्मिक स्थल है उसको खत्म किया जा सके, जिसके इनके पास 1982 के कोर्ट के आदेश भी हैं, जिसमें न्यायालय ने भी माना है कि वो होली चौक है। उसके बाद भी नगर निगम में दरकिनार करते हुए उस पे उस सभासद के इशारे पे एक समुदाय विशेष को संतुष्ट करने के लिए वहाँ पे पेड़ लगा दिए गए और हिंदू समाज की आस्था के प्रतीक को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के यूट्यूब पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 9760095470 या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।